धन्यवाद महोदय, जो आपने से मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। महोदय, ये ऐसा मुद्दा है जो एक व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ महिलाओं का नहीं है, ये भारत की संस्कृति पे, भारत की सभ्यता पे, भारत की आत्मा पे हमला है। ये हमारा वो देश है जिसमें महिलाओं को देवी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में पूजा जाता है। और जब हम ये सुनते हैं रोज़ सुबह अखबार में उठ के कि क्या हो रहा है, ये बिल्कुल हमारी सभ्यता के, संस्कृति के विपरीत है। तो महोदय, जो सरकार ने जो ये बिल लाई है, इसका मैं स्वागत करता हूँ, इसका आना आवश्यक है। पर इसमें सिर्फ बिल से समस्या का समाधान नहीं होगा, इसको हमको लागू करना है, इसको फलीभूत करना है। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव है मंत्री महोदय आपको। सर, सबसे आप इसको लागू करेगी पुलिस, इन मुकदमों की तफ्तीश करेगी पुलिस। पुलिस में अपन देखते हैं हर प्रदेश में इतनी वैकेंसीज हैं, पुलिस अधिकारी ही नहीं है, तो कृपया उन वैकेंसीज को आप भरिए। और ये गंभीर मुकदमे हैं, जैसे SC ST के मुकदमे में एक DYSP रैंक का अधिकारी जांच करता है, इसमें भी मेरी प्रार्थना है कि DYSP रैंक का अधिकारी बनवाया करें, और वो भी महिला पुलिस अधिकारी हो, तो इसके साथ न्याय होगा। दूसरी महोदय, इन मुकदमों की ट्रायल्स होगी जुडिशरी में। कोर्ट्स की आप स्थिति देखिए, कितने कोर्ट्स हैं वहाँ, कितनी वैकेंसीज हैं, और किस तरह के जज आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है। तो मेरा सुझाव है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स का समय आ गया है। अगर हमको इस कानून को सही, इसकी मूल रूप में इसको लागू करना है, तो हमको जुडिशियल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हमको एक सहानुभूतिपूर्वक, एक न्यायपूर्वक इसके न्यायपालिका का निर्माण करना पड़ेगा, जहाँ क्वालिटी जजमेंट हो। तीसरा महोदय, इन मुकदमों को कोर्ट में पैरवी कौन करेगा, प्रोसिक्यूशन, हमारे APPs की, हमारे सरकारी वकीलों की क्वालिटी क्या है, उसको हमें देखना आवश्यक है। महोदय, इसमें एक और मुझे कानून में जो थोड़ी सी, जो मेरा सुझाव है गृहमंत्री महोदय आपको, कि इसमें आपने लिखा कि 12 वर्ष से कम की बच्ची का अगर सामूहिक बलात्कार होता है, उसमें आपने मृत्युदंड से लेके उम्र कैद तक का प्रावधान है। 13 साल की बच्ची के लिए क्यों नहीं, 14 साल की बच्ची के लिए क्यों नहीं, 15 साल की बच्ची के लिए क्यों नहीं। मैं मानता हूं अपराध अपराध है और उसको समान सजा मिलनी चाहिए और कठोर से कठोर सजा मिले, ये मेरा आपसे अनुरोध है महोदय। महोदय, ये क्यों हो रहे हैं आज, आज से जब हमारा जन्म हुआ था इन चीज़ों का हम सुनते ही नहीं थे, कल्पना ही नहीं करते थे, अब क्यों हो रहा है, इसके कुछ कारण है। आज फ्री इंटरनेट पर आप पाबंदी लगाइए, कुछ तो नियम हो, सोशल मीडिया पर आप लगाइए, TV पर लगाइए, किस तरह की फिल्में देख रहे हैं आज। अगर बच्चों, मुझे आज किसी ने कहा है, आज ही किसी मुझे एक टेक्निकल ऑफिसर ने कहा है कि साहब, जो जियो जो एक टेलीफोन कंपनी है जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस प्रदान करती है, उनकी सर्वे में आया है कि 60% बच्चे जो रात को देखते हैं वो पोर्नोग्राफी, अश्लील जो है ना, वो चीज़ें देखते हैं। इस पर रेगुलेशन होना चाहिए, हमारी सभ्यता नष्ट हो रही है, हमारे युवा नष्ट हो रहे हैं। और अंत में, जो पीड़ित हैं उनके पुनर्वास के लिए, हमें उनका जीवन बर्बाद नहीं करना है, उनकी इज्जत तो चली गई, वो भविष्य में अपना कैसा जीवन शुरू करें, इसके लिए भी चिंता करें। मैं मानता हूं सरकार की जो मंशा है बहुत ही अच्छी है, और इस बिल का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। जय हिंद।